subscribe and press the bell icon to never miss a video from News. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं निहारिका शाहदेव। और सीबीएसई क्लास 12 का हिस्ट्री का एग्जाम है और हम फिर से मौजूद है सीबीएसई बोर्ड सेंटर के बाहर। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स का एग्जाम कैसा गया है। पुराने कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे उन्होंने ऑप्शंस कम कर दिए हैं, बट ओवरऑल 8 मार्कर्स में चॉइसेस थी, सो इट वाज गुड। पेपर कुछ लेंदी थे? हाँ, लेंदी तो था बहुत ज़्यादा, लाइक 8 मार्कर्स बहुत लेंदी थे और 4 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स वर ओके। नहीं, ज़्यादा चेंजेस तो नहीं हुए, बस एक चेंजेस था कि चॉइसेस थोड़ी कम कर दी थी, बट मतलब इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम क्योंकि उन्होंने ईजी क्वेश्चन रखे थे चॉइसेस में। तो नहीं, सारे एनसीईआरटी से ही थे। आई डोंट नो यार, कुछ कह नहीं सकते, बट 95+। आई थिंक मतलब ये 80 मार्क्स का होता है प्लस 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के होते हैं। हाँ, इसमें वाइवा भी मिला के हमको देते हैं, वाइवा और प्रोजेक्ट। हाँ, मॉडरेटली इट वॉज मॉडरेटली डिफिकल्ट, एक दो क्वेश्चन थे, बट बाकी ओवरऑल वॉज एनसीईआरटी ओनली। सॉरी, 100 मार्क्स के पेपर नहीं, 80 का। 80 मार्क्स में? अच्छा, तो पुराने सिलेबस सारे चले आ रहे हैं, वो पैटर्न जो भी क्वेश्चंस के होते हैं या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं? नहीं, सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न। और पेपर सर एनसीईआरटी से थे या आउट ऑफ सिलेबस? नहीं, एनसीईआरटी से था। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई गेस 60s और 70s मे बी। पेपर कितने मार्क्स के थे? 80 मार्क्स का। और क्या क्या पैटर्न, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? ठीक थे क्वेश्चंस, थोड़े बहुत घुमा फिरा के दिए थे, बाकी सब ठीक था। सेक्शन वाइज रहते हैं क्वेश्चंस? या पुराने पैटर्न्स पे आ रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं? थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं कि ऑप्शंस कम कर दिए हैं, पहले ज़्यादा थे, इस बार कम कर दिया। सारे एनसीईआरटी से थे? या हाँ, नहीं एनसीईआरटी से ही था थोड़ा, पता नहीं। पेपर अच्छा रहा, बस मार्क्स भी अच्छे आ जाए, वरना पेपर हमेशा अच्छा जाता, मार्क्स अच्छे नहीं आते। हाँ जी, लेंदी तो था पेपर, मगर फिर बाद में कर लिया था, वो करना तो पड़ जाता ही है, बाकी लेंदी पेपर था वैसे। ओके, तो वही पैटर्न्स में कुछ चेंजेस थे या फिर आप लोगों को पहले बताया गया था कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे या फिर? नहीं नहीं, बस वो ऑप्शंस बढ़ा दिए, अच्छा किया, मतलब अब सही रहा था बिल्कुल वैसे। कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? 60 के अराउंड, 60 अबव। नहीं नहीं, 100 80 100, वो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल भी अच्छा किया, उसमें आपको वो प्रैक्टिकल वर्क होता है, मतलब आपको जगह दी जाती है, आपको वहाँ जाना होता है, फिर उसके ऊपर आप जितना हिस्टोरिकल वर्क करते हैं उस पर फाइल्स बनाते हैं, फिर आपको सबमिट करते हैं, उस पर प्रैक्टिकल बेस्ड वैसे होता है। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। लेंदी था पेपर? बहुत ज़्यादा ही लेंदी था। कितने मार्क्स का पेपर है? 80 का। अच्छा, तो कुछ पुराने पैटर्न्स चेंजेस हुए हैं या फिर? हाँ, ऑप्शंस बढ़ गए हैं। मैप में भी ऑप्शन आ गया है और 8 मार्कर में भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बढ़ गए हैं। पहले 100 मार्क्स के पेपर होते थे, अब 80 मार्क्स है, 20 प्रैक्टिकल्स भी 20 प्रैक्टिकल होता है। हाँ जी, प्रैक्टिकल्स में क्या होता है? प्रैक्टिकल में आपको फाइल बनानी होती है एक साल के अंदर अंदर पूरी, उस पर वाइवा होता है, तो उस पर मिलते हैं 20 नंबर। एनसीईआरटी सारे पेपर थे या चेंज? नहीं, बेसिकली अगर आप थरली एनसीईआरटी करोगे तो उसी से पेपर थे। मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं कर लूंगा जी 70। पेपर 80 मार्क्स? 60 to 65। ओके, और बाकी चेकर पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं बताई। हाँ, लेंदी था पेपर? हाँ, लेंदी था। और पहले इट वॉज लेंदी, बट जिसने प्रैक्टिस किया है, जो घर से करके आया, उसके लिए तो आसानी होगा। ओके, तो पुराने पढ़ने का होता है। हाँ, पुराने पैटर्न्स पे सारे क्वेश्चंस थे, कुछ चेंजेस आए हैं? कुछ चेंजेस आए हैं, हिंदी में थे क्वेश्चंस दिए गए थे, तो वो सब कुछ तो ईजी था, सिंपल था। और एनसीईआरटी से थे? एनसीईआरटी से आए, सब एनसीईआरटी से आए। हाँ, 60 to 65। तो स्टूडेंट्स ने बताया उनका हिस्ट्री का एग्जाम काफ़ी अच्छा गया है, पहले से पैटर्न चेंजेस हुए हैं, पहले 100 मार्क्स के पेपर होते थे, अब 80 मार्क्स के थ्योरी हैं और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है। और स्टूडेंट्स का कहना है कि 80 में 75+ या 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, तो वे विश कि उनकी 80 में 80 मार्क्स आए। अभी के लिए बस इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें न्यूज़।